आज लखीमपुर खीरी में कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद जफर अली नकवी ने राज्यपाल को संबोधित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी खीरी को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद कांग्रेस भवन पर प्रेस को संबोधित करते हुए जफर अली नकवी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन से पूरा जनजीवन प्रभावित है। हर वर्ग के ऊपर भयंकर आर्थिक मार पड़ रही है। किसान, नौजवान, व्यापारी, मजदूर वर्ग विकट स्थिति में है। आर्थिक संकट ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी वर्गों की आर्थिक सहायता की जाए। साथ ही जफर अली नकवी ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों मजदूर, कामगार घर लौटने से वंचित हो गए हैं। सन 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार ये दिल दहलाने वाला मंजर देखा। हजारों श्रमिक, कामगार पैदल चलकर वापसी के लिए मजबूर हो गए हैं। न राशन, न पैसा, न दवाई, न ही साधन, सिर्फ अपने घर जाने की लगन, उनकी व्यवस्था सोचकर ही मन कांप जाता है। सरकार का कर्तव्य क्या है, उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगी। ऐसी घड़ी में भारत सरकार व रेल मंत्रालय मजदूरों से पैसा वसूल रहा है। दूसरी ओर विदेशों में फंसे भारतीयों को निःशुल्क हवाई जहाज़ों से भी लाया गया, परंतु गरीबों के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार राहत के नाम पर 20 करोड़ को पैकेज भी हवा हवाई साबित हो रहा है। इस संकट की घड़ी में किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर को राहत की आवश्यकता है। सरकार लोन मेला का आयोजन कर रही है, जो सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। इस महामारी में सभी वर्ग पीड़ित हैं। सरकार कर्जा बांटकर दोहरी मार मारने का कार्य कर रही है। आने वाले समय में हिंदुस्तान की जनता इसका जवाब देगी। राहत के नाम पर लोन दिया जा रहा है, लोन देना कौन सी राहत है? मोदी जी ने एक शेयर प्रस्तुत किया था, याद होगा, उसमें बहुत सारे रिच लगे थे, जीवी लगे थे, बोर्ड लगे थे, मेक इन इंडिया। और आज आत्मनिर्भर भारत, मुझे आप लोग बताइए, समीक्षा करके बताइए, क्या इन तीनों चीजों में कोई अंतर है? आप अरमानी का सूट पहनते हैं, आप मोन्टेयर का पेन पहनते हैं, आईफोन यूज करते हैं, बोइंग से चलते हैं, और बात आप आत्मनिर्भर भारत की करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बहुत खूबसूरत तस्वीर सड़कों पर इस समय घूम रही है, जो प्रवासी मजदूर आते जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर उनको किस तरीके से ट्रोल किया जाता है, उनके लिए कहा जाता है कि हमारी क्या जिम्मेदारी। 85% सब्सिडी का झूठ नंगा होकर आपके सामने आ चुका है। आपसे निवेदन है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि इन सब चीजों को भी लिखिए। पत्रकारिता, आप लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं मुझे मालूम है, लेकिन जो शीर्ष में बैठे हुए जो चैनल, मुझे लगता है बहुत हद तक सेलेक्टिव पत्रकारिता हो रही है, जो कि समाज के लिए, देश के हित में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर उनके केवल एक एक शब्द में, एक एक कार्य में, एक एक कार्योजना अपनी पॉलिटिक्स ले करते हैं। वोट लेने से लेकर सरकार बनाने तक, सरकार बनने पर फिर से वोट की ही पॉलिसी चल रही है। आज जो शख्स सांसद ने बताया, अगर ट्रंप की हमें भी बुराई नहीं कर रहे, अच्छी बात है, अगर उससे पहले उससे पहले हम सही हो गए होते, हमारी गरीब जनता को, हमारे लेबर मजदूरों को, प्रवासी को, मजदूर भाग रहा है, लावारिस होकर सड़क पर भाग रहा है, इसको मौका देगी और भाई 7 दिन का मौका है। देखिए, हर चीज उनकी नियोजित है, और मुझे ये बात कहने कोई प्रयोग नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही देश में। भारतीय स्वयं सेवक संघ की, मोहन भागवत की संस्था पूरी तरह से काम कर रही है। जहाँ मोदी जी कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को जोर से कहती है आप आरसर निर्भर भारत बनाना चाहते हैं, ताकि स्वयं सेवक संघ निर्भर भारत जी। देखिए, जो अवस्था है कोरोना को लेकर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको ज्ञापन दिया गया है कि सारे मजदूर मर रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था आने जाने की नहीं है, थोड़ी बहुत बसें चला गई हैं, ट्रेन भी बंद कर दी गई हैं, मजदूर कट रहे हैं, मर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, रास्ते में कोई उनकी जगह नहीं है, उनको ठीक किया जाए और कुछ अस्पताल ऐसे खोले जाएं जिन पे उनको उनको रखा जाए, कुछ ओपीडी भी खोली जाए जो बंद कर दी गई हैं, और विशेष करके जो आर्थिक दृष्टिकोण से सारा व्यवस्था चरमरा गई है, उसके ऊपर जो उन्होंने अभी अपना बजट 20 लाख करोड़ का दिया है, वो फर्जी है, एक जुमला है,
जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने उसको बड़ी होशियारी से घुमाकर वही पैसा अपने आप दे दिया, वही बैंक को दे दिया, वही कर्जा दे दिया, वही गांव वालों को दे दिया, जो टोटल फर्जी है। गांव वालों का 1 करोड़ रुपए का उद्योग किसी गांव में नहीं है, लौट फेर के वो पैसा उन्हीं के पास रहेगा, किसी आम आदमी को इसकी व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो गरीबों को, नौजवानों को, मजदूरों को की व्यवस्था ठीक की जाए, नौकरी व्यवस्था ठीक की जाए। हमने ये भी लिखा है कि हमने कोई इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अनियमितताएँ हैं भारत सरकार सरकार की, उसको ठीक तरीके से व्यवस्था की जाए। इसका एक ज्ञापन हमने आज DM साहब को, हमने अध्यक्ष जी ने हमने दिया।